हेलो, गुड मॉर्निंग सर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम में आप परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चालान, गुड्स रिसीव नोट वो कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो जैसे आपको पता है कि पहले क्या था, टैली ERP 9 में जब भी हमें कंपनी के अंदर वो फीचर्स एक्टिवेट करने होते थे तो हम लोग क्या करते थे कि हम कंपनी को ओपन करने के बाद हमें क्या करना पड़ता था कि हम F11 में फिर इन्वेंटरी फीचर्स में जाते थे, और इन्वेंटरी फीचर्स में जाके हमें अनेबल परचेज ऑर्डर, अनेबल सेल्स ऑर्डर, ये दोनों ऑप्शन यस करने पड़ते थे, और हम ये वाला ऑप्शन यस करते थे, यूज ट्रैकिंग नंबर अनेबल फॉर डिलीवरी एंड रिसीव नॉट। ठीक है, तो उसके बाद उस कंपनी के अंदर वो फीचर्स एक्टिव हो जाता था, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चलन, गुड्स रिसीव नोट का। ठीक है ना, और हम लोग एंट्री कर सकते थे। अब टैली प्राइम में क्या किया है कि टैली प्राइम में वो वाला मतलब कंपनी के अंदर परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिसीव नोट के फीचर्स अनेबल करने के लिए उसको F11 जो फीचर्स वाला जो ऑप्शन है F11, ठीक है, उसके अंदर से उसको हटा दिया है। यहाँ पे आपको उस ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे कि आप परचेज ऑर्डर को यस करो, सेल्स ऑर्डर को यस करो, ठीक है, डिलीवरी नॉट रिसीव नेट वाला ऑप्शन को यस करो, वैसा ऑप्शन अब आपको टैली प्राइम में नहीं मिलेगा। तो वो कैसे एक्टिवेट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सिंपल कर दिया है टैली ने कि जब भी आप हमने कंपनी क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो जब डिफॉल्ट कंपनी हमारा क्रिएट होगा तो उसमें ये सारी चीजें बंद होगी, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, चालान, रिसिप्ट, ठीक है, ये वाले ऑप्शन बंद हो गए। तो क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है, ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे साइड में ये जो बटन है F10, ठीक है, F10 की प्रेस करनी है, या तो ये अदर्स वाउचर्स वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। उसमें जाने के बाद यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन है शो इनएक्टिव, उसको एंटर करना है, ओके, और हमें जो भी मॉड्यूल यस करना है, परचेज ऑर्डर का, सेल्स ऑर्डर का, डिलीवरी चलन का, रिसीव नोट का, उसको एंटर मार के यस कर देना है। तो ये मैंने सो इनएक्टिव को एंटर मारा, अब मुझे परचेज ऑर्डर यस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिलीवरी नोट को यस कर देता हूँ, तो ये इन्वेंट्री वाउचर में ये डिलीवरी नोट है, उसके ऊपर मैं आया और मैंने एंटर मार दिया, और यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है यू नीड टू एक्टिवेट डिलीवरी नॉट वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ। मैंने वाई प्रेस कर दिया, यस, तो ये डिलीवरी नॉट का फीचर्स भी एक्टिवेट हो गया और डिलीवरी नॉट का वाउचर भी ओपन हो गया। ठीक है, अब जैसे मुझे अगेन मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं अदर्स वाउचर्स में जा रहा हूँ, सो इनएक्टिव में जा रहा हूँ, अगेन अब मुझे इसमें रिसीप नॉट एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे मैं रिसीप नॉट पे आया, गुड्स रिसीप नॉट पे एंटर मारा और यस कर दिया, तो ये रिसीप नॉट एक्टिवेट हो गया। अब मैं अदर्स वाउचर्स में जा रहा हूँ और वापिस में जा रहा हूँ सो इनएक्टिव में, ठीक है, और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे परचेज ऑर्डर को यस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर वाउचर्स के सेक्शन में ये जो परचेज ऑर्डर है उसको एंटर कर दिया और यस कर दिया, ठीक है, और वापिस में अदर्स वाउचर्स में जा रहा हूँ और मैंने ये सो इनएक्टिव पे एंटर मारा, और यहाँ पे मैंने सेल्स ऑर्डर को एंटर मार के उसको यस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरी कंपनी में परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नॉट और रिसीव नॉट, गुड्स रिसीव नॉट के फीचर्स भी एक्टिवेट हो गए और वो वाउचर भी एक्टिवेट हो गए। अगर ये आप नहीं करोगे तब तक क्या होगा कि जैसे आप ये F8 वाला जो सेल्स बटन क्लिक करोगे यहाँ पे एरो पे, तो यहाँ पे ये जो बटन होंगे ना, डिलीवरी नोट, सेल्स ऑर्डर, वो आपको इनएक्टिव दिखेंगे। इसका मतलब कि वो मॉड्यूल, वो फीचर्स कंपनी में एक्टिव नहीं है, ठीक है, अनेबल नहीं है। तो अभी मैंने वीडियो में जिस तरह से आपको बताया कि अदर्स वाउचर्स में जाके सो इनएक्टिव में जाके जो जो आपको यस करना है उसको एंटर मार के यस कर दो, तो वो फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो वाउचर भी अनेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर।